हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 8 के मैथ्स। मैंने आज बुक चुना है पियर्सन का मैथ एस। इसका चैप्टर नंबर 6 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो शायद आप लोग को इस चैप्टर के विषय में मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है। तो पहला हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर लाइक टर्म्स। अभी लाइक टर्म्स का मतलब क्या है? लाइक टर्म्स द टर्म्स व्हिच हैव द सेम वेरिएबल्स रेज टू द सेम पावर आर नोन एज लाइक टर्म्स। मतलब अगर जैसे सपोज 9x² और 8x², ये दोनों दोनों का वेरिएबल, इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल x है, दोनों का पावर सेम है, 2 एंड 2। मतलब ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। सो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1a, इसका वेरिएबल a और b है, इसका वेरिएबल b और a मतलब सेम ही है, दोनों का पावर 1 1 है। सो ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर बी, 23a² b, a b² मतलब इधर में a² b, इधर में लिखा है ab², इसमें a का पावर है 2, इसमें a का पावर है 1, इसके इसमें b का पावर है 1, इसमें b का पावर है 2, तो ये वाला हो गया अनलाइक टर्म, ठीक है। इन दोनों का पावर सेम है, ये लाइक टर्म है, इन दोनों का भी पावर सेम है, ये भी लाइक टर्म है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल। आगे अभी आपको जानना पड़ेगा पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब an algebraic expression with non-zero coefficients and variables having non-negative integers as exponents is called a polynomial. मतलब कोई भी algebraic expression जिसका coefficient zero नहीं है और उसका variables में कोई negative integer नहीं है, उसको हम polynomial बोलते हैं। तो आप ये go through कीजिए, अपने आप try कीजिए कि किसका कोफिशेंट ज़ीरो नहीं है, किसका वेरिएबल्स नेगेटिव नहीं है, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। हमको पता है कि मोनोमियल का मतलब क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसका एक टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। नाउ बाइनोमियल, 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 मोनो मतलब वन, बाइनोमियल मतलब बाई का वर्ड का मतलब दो है। सो मतलब जिस पॉलिनोमियल का दो टर्म रहेगा उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। दूसरा है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म रहेगा उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। सो आपको समझ में आ गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3a में कितना टर्म है, x² + y² + z², इसमें तीन टर्म है तो मतलब ये ट्राइनोमियल है। क्वेश्चन नंबर b, इसमें सिर्फ 100 लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, तो ये एक टर्म है, मतलब ये मोनोमियल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें दो टर्म है, x² + x² y z, दो टर्म, मतलब ये बाइनोमियल है, ये वाला है ट्राइनोमियल, और ये दोनों आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको शायद पता होगा, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है। जैसे एलजेब्रा मतलब कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स के साथ करते हैं उसको हम बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है।
टू ए थ्री एक्स फाइव वाई, ये सब हो गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब इसमें अभी दूसरा क्वेश्चन आएगा, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। सो वेरिएबल मतलब होता है द लेटर्स, जो लेटर हम अननोन वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उसका वैल्यू हमको पता नहीं है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और जो नंबर जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 5, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एल्जेब्रा। पहले हमने बोला था कि कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम अगर अल्फ़ाबेट कोई लेटर और नंबर से लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रा। बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दूसरा चीज़ है, वो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मतलब वो जब एक्सप्रेशंस एक कोई कोई एक्सप्रेशन बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के, इन द फॉर्म ऑफ हम उसमें बीच में से यूज़ करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं आपको इधर में दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सपोज सपोज 4x² प्लस 3x माइनस 2, इसमें तीन टर्म है, 4x² एक टर्म है और 3x एक टर्म है और 2 एक टर्म है, तो मैंने इन दोनों को ऐड करके लिखा है और लास्ट वाला में हमने सब्ट्रैक्शन का यूज़ किया है। तो मतलब जब ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है, कोई भी टर्म का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा सबको, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ये सब विषय में आपको थोड़ा आइडिया हो गया, ठीक है। हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एट द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स, आपको तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैसे इसको ऐड करेंगे, मैं आपको एक एक करवा के देता हूँ। अच्छा सो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इस साइड में राइट साइड में लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। आप क्वेश्चन देख सकते हैं राइट साइड में, आपको एक ट्राइनोमियल दिया गया है, जैसे कि m³ प्लस 3m² माइनस 18m। दूसरा वाला टर्म है आपका 23m माइनस 4m², 23m माइनस 4m², हम इसको सेम सेम टर्म के नीचे बैठाएंगे। तो इसमें देखिए m वाला टर्म कहाँ है, m वाला टर्म सबके लास्ट में है, m वाला टर्म लास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, उल्टा ऐसे करेंगे लिखें, ठीक है। इधर आप लिख लीजिए 4m माइनस 4m² और इसमें आप लिख लीजिए प्लस 23m, ओके। और नीचे में लिखा हुआ है 5m³ माइनस 1, m³ के नीचे हम m³ लिख लेंगे, 5
5m³, और इसमें कोई कांस्टेंट का वाला टर्म नहीं है, तो लास्ट में लिख लेंगे -1। ठीक है, अब सब हमको ये सब वाला टर्म को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, 5m³ और m³ हो जाएगा आपका 6m³। सॉरी, लास्ट में से करने से बेटर होता है, नहीं तो गलत हो जाता है कभी कभी। इसमें हो जाएगा आपका -1, ऊपर में कोई टर्म नहीं है। +23 -18, मतलब 23 से माइनस अगर हम 18 करेंगे तो कितना होगा, 5। और बड़ा वाला पॉजिटिव है इसलिए +5m। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं -4 और 3, -4 +3, मतलब 4 -3 इज़ 1, और बड़ा जो नंबर है उस वो नेगेटिव नंबर है, इसलिए -1m². ठीक है, इसमें आप देख लीजिए 5 और इधर में m³ है, मतलब 6m³। ये हो गया आपका रिजल्ट। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इसको हम 6m³ -1m² ना लिख के हम -m² +5m -1 लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको सिखाया है। अगर ऐसे कंटिन्यू आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और